तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देखो टेक सफर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय सहारा बैंक का भुगतान कब होगा। काफ़ी दिनों से हम लोग का आजकल लगा हुआ है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा है। तो फाइनली आखिरकार हम लोग का पेमेंट कब होगा या होगा भी नहीं होगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को करेंगे शुरू। वीडियो पसंद आती है ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों रोजाना हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया करता हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पे फाइनली जो डेट वगैरह मिला है भुगतान का, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दें कि चुनाव के अभी हाल ही में चुनाव बीते हैं, उससे पहले एक मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा था कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, और हम लोगों ने सपोर्ट भी किया, गवर्नमेंट भी बनाया, लेकिन अभी भी हम लोगों के हक में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है कि फाइनली आखिरकार हम लोग का भुगतान होगा भी तो कब होगा। तो आए दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों गवर्नमेंट भी बन गई और सारा कुछ प्रक्रिया हो गया, लेकिन हम लोग के पक्ष में कोई भी बातें नहीं की जा रही हैं। दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में न्यूज में सुने होंगे, राष्ट्रीय सहारा बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस पर छापेमारी और नीलामियाँ की जा रही हैं, ताकि सेबी के पास कुछ बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठे हो सके। उन पैसों की मदद से सेबी हम लोग का 15% ब्याज समेत भुगतान कर सके। सेबी का कहना है कि हम 15% ब्याज समेत ग्राहकों का भुगतान करेंगे। तो दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पे आगे भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपसे करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय सहारा बैंक के वकील जो हैं कपिल सिब्बल जी और सेबी दोनों लोगों का पेशी था, जिसमें बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, उसी को हम चर्चा के रूप में आपको बताने वाले हैं। कोर्ट में जैसे ही पेशी हुई, कपिल सिब्बल जी ने यहाँ पे सेबी से गुहार लगाया कि हमारे ग्राहकों का पैसा काफी दिनों से फंसा हुआ है, कृपया करके भुगतान करा दिया जाए। तो यहाँ पे सेबी ने कहा, ठीक है, हम आपके ग्राहकों की बात को समझते हैं, भुगतान कराएंगे, लेकिन आप मुझे पहले रिकॉर्ड पेश करिए कि किस डेट को कितना कितना कैसे पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद ही भुगतान कराएंगे। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, रिकॉर्ड मिलता है या फिर नहीं मिलता है।